दोस्तों, शादी के तुरंत बाद तलाक हो जाना मानो आजकल फैशन सा बन गया हो। जिसे देखो वही शादी के बाद तलाक लेने की खबरें लेकर सामने आ जाता है। एक से बढ़कर एक गानों और रैप से लोगों का दिल जीत चुके रैपर रफ्तार के चाहने वालों के लिए बुरी खबर सामने आई है। खबर है कि रफ्तार 6 साल की शादी को खत्म करने जा रहे हैं। बताया जा रहा है कि शादी के इतने सालों के बाद रफ्तार ने अपनी पत्नी कोमल बोहरा से तलाक लेने का फैसला कर लिया है। रैपर रफ्तार के फैंस को जब से ये खबर पता चली है उनका भी दिल टूट गया है। रिपोर्ट्स की माने तो दिसंबर 2016 में ही शादी के बंधन में बंधे थे रैपर रफ्तार और उनकी पत्नी कोमल बोहरा, और काफी टाइम से दोनों अलग रह रहे थे। सोर्सेस की माने तो 6 अक्टूबर को तलाक के पेपर्स पर दोनों साइन करने वाले हैं। इस कपल की शादी के बीच में काफी टाइम से दिक्कतें आनी शुरू हो गई थी, जिसके बाद दोनों ने अलग होने का फाइनली फैसला कर लिया है। खबरें ये भी हैं कि सिर्फ करीबी लोगों को ही इस बारे में पता था, हालांकि दोनों ने अभी तक कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है। आपको बता दें कि कोमल और रफ्तार 2011 में एक दोस्त के घर मिले थे। उन्होंने 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया और उसके बाद शादी करने का फैसला किया, जिसके बाद रफ्तार ने अपनी शादी की फोटोज पोस्ट कर लिखा कि मेरी आत्मा से ही शादी की है। एक इंटरव्यू में रफ्तार ने कोमल को अपना सपोर्ट भी बताया था। उन्होंने कहा था कि कोमल उनका साथ देती है तो उनके प्रोफेशन को भी सपोर्ट करती है। फिलहाल दोनों ने एक दूसरे को सोशल मीडिया पर अनफॉलो कर दिया है और इसके साथ ही अपनी फोटोज भी डिलीट कर दी है, जो कि एक दूसरे के साथ ही उनकी सोशल मीडिया पर। रफ्तार ने अपने करियर की शुरुआत एक डांसर के तौर पर की थी। रफ्तार ने एक्ट्रेस नुसरत भरूचा की फिल्म जनहित में जारी के टाइटल ट्रैक को भी गाया है। अब बताया जा रहा है कि जिस तरीके से रफ्तार अपनी पत्नी से तलाक ले रहे हैं, उनके फैंस को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है, क्योंकि रफ्तार और कोमल की जोड़ी को फैंस काफी पसंद करते थे। लेकिन फैंस के लिए ये काफी बुरी खबर है कि रफ्तार ने अपनी पत्नी से तलाक लेने का फैसला कर लिया है और बहुत जल्द दोनों तलाक लेने वाले हैं। रफ्तार और कोमल के तलाक की वजह क्या है इस बारे में अभी तक तो पता नहीं चल पाया है, लेकिन सोर्सेस के हवाले से यही खबर पता चल रही है कि रफ्तार के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की वजह से कोमल उनसे काफी टाइम से दूर रह रही थी और उन्होंने कई दफा रफ्तार से झगड़ा भी किया इन बातों को लेकर, क्योंकि उनका किसी और महिला के साथ रिलेशन चल रहा था जिसको लेकर कोमल काफी टाइम से उनसे झगड़ा कर रही थी। यही वजह है कि दोनों ने फाइनली अलग होने का फैसला कर लिया है। फिलहाल तो दोनों की तरफ से कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की गई है, लेकिन इतना कंफर्म हो चुका है कि रफ्तार और कोमल दोनों तलाक ले रहे हैं।